क्योंकि आज बड़ी अहम बातें हैं, मैं उन्हीं में आपके लेना चाह रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि होता क्या है। ये बहुत बड़ी सेनेट में अगर ये सब कुछ हो सकता है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, आज वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है डिप्टी कमिश्नर साहब मेमन साहब ने दी है, उन्होंने कहा कि सेनेट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के कुल मेम्बरान जो हैं वो कुछ 4,25 हज़ार हैं सर। इनके अलाटीज जो हैं, जिनको मतलब अलाट किया गया है अब तक का या उनको नंबर दिए गए हैं, वो 569 है, मतलब 570 के करीब हैं। अब टोटल देखें 4,25 हज़ार में से सिर्फ जिनको प्लाटों के नंबर मिले हैं वो तकरीबन आपके 570 के करीब हैं, और इनमें से तेरह तीन चौदह हज़ार परसेंट या 3,681 को पता ही नहीं है कि उनका प्लाट कहाँ है। और अगली मज़े की क्या बात कि 253 जो मेम्बरान है 4,25 हज़ार में से, अब उन्होंने आके पूरे पैसे दिए हैं 253 ने, और सिर्फ 97 जो हैं उनको प्लाटों का कब्जा दिया गया है सर। टोटल मेंबरान 4,25 हज़ार, उनमें से सिर्फ जिनको प्लाट दिए गए 97 लोग हैं सर। ये मतलब इट्स ए मैसिव माइंड बॉगलिंग फिगर्स हैं जो आपके सामने लाए गए हैं सर, और जिस पे आपने क्वेश्चन भी किया, आपने पूछा चेयरमैन कमेटी से जो उनके हैं वो जो आए हुए थे उसके उस सेनेट कमेटी के उसके हाउसिंग के, कि आपको कितने नवाफिल का सवाब है जो आप सोसाइटी के सदर बने, आप ये खिदमत खाल क्यों कर रहे हैं मुझे तो नहीं समझ आ रही, ना तनख्वाह मिलती है आपके बकौल ना पैसे मिलते हैं, तो फिर क्यों आप सदर बने हुए हैं सर। बिल्कुल यही बात है काजरा भाई कि ये जो है उनके पास का कोई जवाब नहीं है माँ सिवाय ये कि ये गरीब हमारे जो लोग हैं उनके पैसे के ऊपर ये पनप रहे हैं। ये अलबत्ता ये बात जरूर है, ये मैं इसलिए आज बात की क्योंकि वहां पे जो है अभी सरफराज मुफ्ती साहब भी वो मौजूद उस वक्त नहीं थे लेकिन उनके नॉलेज में चला जाएगा। ये गवर्नमेंट जो अभी इंटरिम गवर्नमेंट आई है कम अज कम इन्होंने कुछ अच्छे इकदाम लिए हैं। इनको ये भी देखना चाहिए कि देखें सोसाइटीज और ये जो लैंड के जो ओनरशिप है और ये जो यहाँ पे जो जो जो, जो, जो ये लैंड डेवलपमेंट हो रही है ये एक बदनाम जमाना आज काम हो गया है, लेकिन इसमें हमें सही और गलत में ये तमीज करनी पड़ेगी कि कौन इसमें सही काम कर रहा है और कौन गलत कर रहा है।